नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। यह है 32 प्लस ईयर ओल्ड फीमेल और इनका क्वेश्चन ये है कि अपने हाथ के सिंबल्स, हाथ में क्या क्या है, मैरिड लाइन है, उन सब के बारे में ये जानना चाहती हैं। और चलिए आइए देखते हैं कि इनका हाथ क्या बताता है, इनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका जो पाम है वो पिंक कलर का है। पिंक कलर का पाम जीवन में अच्छी ग्रोथ को दर्शाता है। स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर्ड पाम वालों का जो जीवन होता है, मैंने जैसे हमेशा बताया है कि इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल वाला होता है, उसके बाद जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनके जीवन में अच्छी सक्सेस भी आती चली जाती है। यहाँ पर इनके हाथ में देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया, ये देखिए एम का चिन्ह बन रहा है इस तरह से, ये ऐसे एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है। ये देखिए मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है, भाग्य को संवारता है और जीवन को अच्छा बनाता है, साथ ही अपने हृदय को खुश करता है। अब यहाँ पर इनके हैंड में देखिए ये मस्तिष्क रेखा और ये देखिए इनकी लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा दोनों अलग हो रही हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कनेक्टिविटी है। ये क्या होता है, ऐसे में इंसान के ना अपने जो विचार होते हैं वो परिवार वालों से मैच नहीं करते, या कम मैच करना, माता से थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलना, या थोड़ा सा मतभेद होना, या कई बार घर परिवार वाले कहते हैं अरे तुम्हारे तो विचार ही अलग है, अरे इसकी तो सोच ही अलग है, ऐसा कुछ जीवन में फेस करना। थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा है कि हेल्थ हाइट वो भी परिवार से कभी कभी अलग जाती है, और यह होता है कि आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट, परिवार में सब जने एक सा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ अलग थॉट्स आ रहे हैं। चाहे थॉट्स मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो, अच्छी पॉजिटिव सोच भी, लेकिन होता क्या है कि अलग डायरेक्शन में सोचना, एक परिवार से अलग हटके सोचना। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से रेखा निकली और सीधी यहाँ इस तरह से जा रही है। जब इस तरह की रेखा हो, और यहाँ देखिए बीच में एक इस तरह का फोक भी है, इस तरह की रेखा होती है, इंसान का माइंड बहुत शार्प होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है इंसान, और क्रिएटिविटी टैलेंट की कमी नहीं होती है। और कई बार होता है कि इंसान मैथ्स में भी अच्छा होता है, कैलकुलेशंस बहुत होती हैं ऐसे लोगों के माइंड में, बहुत कैलकुलेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए हाथ में ये दिखा रहा है कि कुछ अर्ली 20s में, बल्कि मैं कहूँगी 18 वर्ष के आसपास थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस जीवन में आना। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये भी ऐसा लग रहा है कि कुछ 25 साल के आसपास से लेके कोई डिस्टर्बेंस जीवन में आना, कुछ स्ट्रगल, या तो करियर का स्ट्रगल या पारिवारिक परेशानियों का स्ट्रगल, ये चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर देखें तो फिर थोड़ा चीज़ें बेटर की ओर चल रही हैं। अब अगर आगे देखें तो चीज़ें थोड़ा बेटरमेंट की ओर जा रही हैं। यहाँ पर देखिए ये 40 वर्ष के आसपास एक फोक टाइप की आकृति बन रही है। ये जीवन के कोई बड़े एक्सपोजर की बात करता है, सोचने का नज़रिया बदल जाना, जीवन में बड़ा चेंज आना, बड़ा एक्सपोजर होना, इस तरह की चीज़ें होना ये दिखा रहा। और देखिए मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है, तो क्रिएटिविटी टैलेंट की कमी नहीं होती। इंसान अपने जीवन में होता ना, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये इस तरह भी सोचूँ, उस तरह भी सोचूँ, ऐसी चीज़ें इंसान एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पर इनके हाथ में भाग्य रेखा देखें तो चंद्र पर्वत से निकल रही है, काफ़ी नीचे से निकल रही है, तो रुपए पैसे का सीन ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा रहता है और रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर इनके हाथ में ये यहाँ से इस तरह से रेखा फोक नुमा टाइप हो रही है, रेखा और एडिशनल ऐड हो रही है। और मैं बोलूँगी कि 33 से लेकर 35 तक में इनके जीवन में एक अच्छा चेंज मैं देख सकती हूँ। ये देखिए अगर ये मैरिज का सोच नहीं है तो मैरिज के चांसेस भी बनते हैं। ये देखिए इस तरह की अच्छी सोच भी दिख रही है और एक बेटरमेंट दिख रहा है। और यहाँ से 40 के बाद से देखिए रेखा का, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये पहले तो आप ये देखिए ये चेंज है, कुछ 36 और 38 पर भी कुछ खर्चा करती हुई दिख रही हैं, 40 ऑनवर्ड्स मतलब ये काफ़ी बढ़िया चेंज दिख रहा है जीवन में, बहुत ट्रमेंडस चेंज, बहुत बढ़िया चेंज, और इनकम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी भी होती हुई दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज अचानक से दिख रहा है। यहाँ पर फिर कुछ 44 पे कोई खर्चा करेंगी, 48-49 पर कोई खर्चा करती हुई दिख रही हैं इस तरह से, और काफ़ी लंबा ये बढ़िया इनकम का हिसाब किताब दिख रहा है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए ये, अब इनके आते हैं लाइफ लाइन पर। देखिए लाइफ लाइन में मैं दिखाती हूँ ये इस तरह से चली, ये पे यहाँ पर काफ़ी जंजीरदार है इनका। मुझे लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है अभी, ये देखिए यहाँ से देखें तो ये 20s वाला जो टाइम पीरियड है ये अच्छा खासा स्ट्रगल वाला बीता है इनका। यहाँ पर भी ये दिखा रहा है तो, और यहाँ पर भी दिखा रहा है, ये 25 के आसपास से लेके टाइम पीरियड ये,
और अब भी लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ डिस्टरबेंस का लगा रहना, कुछ परेशानी, दिक्कतें, ये चीज़ें दिखती हैं। जैसे मन में कोई ना कोई टेंशन, और जैसे कि थोड़ा डिप्रेशन या स्लीपलेसनेस होती है, या कई बार होता है इंसान अकेलापन सा महसूस करना, काम रुक रुक के बनना, या आपको जैसा लगता है कि जो कोई आ रहा है जीवन में लेक्चर सुना के जा रहा है और मेरी परेशानी कोई नहीं समझ रहा, इस तरह का ये जीवन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना, मैं आ गया और क्या करूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इस तरह का एक, ये देखिए कुछ डिस्टर्बेंस सा ही दिख रहा है। ये आप इस मस्तिष्क रेखा को देखिए, ये एक इस मस्तिष्क रेखा को देखिए, इस और इसको देखिए, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये मस्तिष्क रेखा डिस्टरबेंस शो कर रही है। अब यहाँ पर देखिए जीवन रेखा को भी देखिए, ये परेशानी, और ये देखिए राहु रेखाएं ये कट कर रही है। इस तरह के जब कट्स आते हैं ना, तो कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई ना कोई जीवन में प्रॉब्लम्स आना, बार बार चेंजेस आना, और इंसान को बार बार दिक्कतों का सामना करना, ये सारी चीज़ें इंसान जीवन में फेस करता है। अब अगर मैं देखूँ उनके हाथ में, यहाँ पर भी एक तकरीबन, ये देखिए ये इस तरह के चेंजेस इतने बड़े बड़े, ऐसे में क्या होता है, इंसान को ना कुत्तों को दान करना चाहिए, कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुछ भी इस तरह का करें, तो क्या होता है ये राहु का जाप करें, तो ऐसे में ये रेखाओं का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो शांत होने लगता है, डिस्टर्बेंस जीवन में कम होने लगते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 40-42 के आसपास कोई ह्यूज गेन मुझे इनके हाथ में दिखता है, और यहाँ पर अगेन ये थोड़ा सा 47 पर भी कोई अच्छा गेन दिखाई देता है, तो ऐसे जीवन में दिख रहा है। ये 55 पर भी गेंस दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से इनके जीवन में अच्छा गेंस करवा रही हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए धन की तिजोरी खूब बढ़िया है, बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लेंगी, हृदय रेखा काफ़ी बढ़िया है, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हैं। ऐसे में क्या होता है, इंसान ना हेल्पफुल नेचर का होता है, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना, ये होता है कि एकदम तैयार खड़े रहते हैं हेल्प के लिए, ये इस तरह के लोग होते हैं, आगे से आगे बढ़ के करना, ये ऐसी इनकी सोच होती है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए ये भाग्य रेखा नीचे से निकल रही है, तो क्या होता है चंद्र पर्वत से निकलना, मतलब एक फीमेल सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है, माता बहन इनका सपोर्ट बहुत बढ़िया होना, और या जैसे कि आपकी फीमेल फ्रेंड से आपको अच्छा सपोर्ट मिलना, ये सारी चीज़ें भी ऐसे में इंसान कोई को जीवन में देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, ये देखिए इस तरह का जीवन का ग्राफ, जो एक बार जीवन में मेहनत करी उसका लाभ पूरी ज़िंदगी आराम से मिलना, और एक इनके बुध रेखा बहुत अच्छी है, बुध रेखा जब भी अच्छी होती है, देखिए दो तीन मीनिंग होते हैं, इंसान में बिजनेस के गुण बहुत बढ़िया देखे जाते हैं, अपना काम करने की इच्छा, अपने बिजनेस के गुण होना, और जैसे काउंसलिंग के गुण होना, कंसल्टेंसी के गुण होना, और कई बार होता है कि ज्योतिष की तरफ भी रुझान थोड़ा देखा जाता है, ऐसी कोई भी चीज़ इनके अंदर देखी जा सकती है। और जैसे होता है ना कि हर का इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छे होना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में सूर्य रेखा इस तरह से आ रही है, देखिए ब्रांच यहाँ तक आ रही है, ये इस तरह से पूर्व पुण्य रेखा निकल रही है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल, और ये देखिए यहाँ से तक इस तरह से आ रही है, और ये मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा हल्की यहाँ पर भी टच कर रही है, ये इस तरह से टच करती हुई है, ये त्रिशूल नुमा निशान बनाती है, जब भी ऐसा त्रिशूल नुमा निशान बनाती है जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है ऐसे लोगों में, कुछ इनोवेटिव बड़ा करें। माइंड लाइन भी देखिए बड़ी है, तो ये इस चीज़ को सपोर्ट करेगी। अब ये देखिए यहाँ से भी एक रेखा इस तरह से ये निकल रही है, इस तरह से, तो ये एम्बिशियस बनाती है इंसान को, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, बड़ा करूँ मैं, कुछ अलग करके दिखाऊँ, ऐसा कुछ। अब इनकी उंगलियों पर चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये उंगली जो है जुपिटर की काफ़ी लंबी है, देखें तो ये देखिए सूर्य की फिंगर से लंबी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जो भी काम इनको दिया जाता है ना पूरा करके दिखाते हैं ऐसे लोग, और ये लोग क्या होता है कि जो काम हाथ में लेते हैं तो कोई लापरवाही नहीं पसंद करते, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो अच्छी होती हैं, हर चीज़ को तरीके से करना, कायदे से करना, और पूरा उसका एक टीम फॉर्मेशन करना, आगे से आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना, ये सारी चीज़ें गुण देखे जाते हैं। अब देखिए ये छोटी फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक नहीं आ पा रही, ऐसे में लोग इनके भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते हैं, कई बार अपना काम निकाल लिया, मतलब निकाल लिया, इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी इनके साथ होते होंगे। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, ये इस तरह की रेखा है, ये
कुछ पैरेलल टाइप का फॉर्मेशन इस तरह से करना। तो ये क्या होता है कि जब ऐसे रेखा इस तरह की दिखे, तो ऐसे लोग रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसे लोग होता है कि भाई बड़े कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बहला दिया कि ऐसा कर लो तो पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा कर लो तो पैसा ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, ये लोग रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और चीज़ों की खोजबीन करके तब स्टेप लेते हैं। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर इस तरह का उन्नर रूप है, उंगलियों की शेप इनकी गोल गोल है। ऐसे लोग जीवन में अच्छे कर्म करना चाहते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इनको होता है कोई भी काम जो है उसमें क्रिएटिविटी देखते हैं, राइज करना, उस काम को आगे बढ़ाना, ये सारे गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। अब ये देखिए, ये इस तरह का उन्नर रूप जब भी आता है तो ऐसे में इंसान जीवन में लेटर ऑन लाइफ में अच्छी सक्सेस पाता है और अपना एक नेम फेम क्रिएट करता है। जैसे कि हमने इनकी सूर्य रेखा देखी, अच्छी लंबी सूर्य रेखा। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का टेंटेड आर्च है। ऐसे लोगों के जीवन में कैसी भी परेशानी आए, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे से उसे डील करना जानते हैं। ये लोग जानते हैं कि भाई मैं कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर आऊँ, उस प्रॉब्लम से कैसे लेसन्स लेने, ये सब चीज़ों में काफ़ी शार्प होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह का उन्नर लूप है। ऐसे में इंसान कभी कभी अपने ना प्रोफेशन भी चेंज करता है और ये चेंज इनके हाथ में बहुत अच्छा क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये इस तरह का उन्नर लूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कभी किसी को उधार देंगी तो उधार ये सोच के दें कि डोनेशन के तौर पे, हेल्प के तौर पे दें, ये सोच के ना दें कि वो वापस मिलेगा। अब ये देखिए, इनके हाथ में ये इस तरह की उंगलियां हैं, तो ये अपना काम करवाने की भी, मांसल उंगलियां तो अपना काम भी करवाती हैं, यानी कि अपना बिजनेस या अपना कुछ इस्टेब्लिश करना, कोई भी अपना खुद का वर्क इस्टेब्लिश करना। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह की ये लाइंस हैं, इस तरह की जब भी स्टैंडिंग लाइंस आती हैं, इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है कि अपने काफ़ी हद तक जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो फुलफिल कर पाते हैं, काफ़ी ड्रीम्स फुलफिल कर पाते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो जैसा कि अब एक कहना चाहिए कि ये भाग्यशाली रेखाएं होती हैं, अपना चाहे मकान की इच्छा हो, चाहे कहीं ट्रैवल करने की इच्छा हो, इस तरह की इच्छाएं और एक अच्छा अमाउंट जीवन में कमाना, ये सारे चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें इनका थंब क्या बताता है। अब देखिए, यहाँ पर हाथ में इस तरह का उड़ना लूप है अंगूठे पर। क्या होता है कि इंसान अपनी लाइफ में ना अपने परिवार वालों को बहुत चाहना, उनके लिए बहुत कुछ करना, ये सारे गुण ऐसे में देखे जाते हैं। जान नौछावर करना, ये देखिए, ये माइंड में कुछ टेंशन है, कुछ जैसे जीवन में टेंशन चलना, पता नहीं मेरा ये काम होगा नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कुछ इस तरह की टेंशन्स भी देखने को मिलना। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए, इस तरह के ये डबल यवारा है। ऐसे में इंसान की हाफ लाइफ एक तरह की होती है, हाफ लाइफ एक तरह की होती है, और जो कि हमने इनके हाथ में भी देखा कि इनका 40 वर्ष के आसपास जीवन में काफ़ी ट्रमेंडस चेंज भी है। लाइन ऑफ फैमिली, लाइन ऑफ ट्रैवल्स, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, ये सब इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग और भी अच्छा है। थोड़ा सा विल पावर को और बढ़ाएँ तो जीवन में और अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अंगूठा देखें तो डिटर्मिनेशन पावर, कि भाई जब ठानती होंगी तो बस करके दिखाना है, अब तो रुकना ही नहीं है, ऐसी वाली सोच इनकी दिखती है। अब इनके हाथ में चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड में ये इस तरह का उड़ना लूप है। हमने इसी तरह का उड़ना लूप हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो लेटर ऑन लाइफ में अच्छी सक्सेस बनाना, कुछ लाइफ में बड़ा इनोवेटिव करना, ये देखिए, ये इस तरह का उन्नर लूप है। जीवन में ऐसे लोग समझ जाते हैं कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान होना। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह की लाइंस हैं। तो जीवन में क्या होता है, कभी कभी काम बनते बनते रुक जाना, अड़ंगे आना, ये सारी चीज़ें होता है कि काम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे रुकना। अब जैसे इन्होंने इनकी मस्तिष्क रेखा भी डिस्टर्ब देखी, तो ये चीज़ों का प्रॉब्लम कई बार इंसान फेस करता है। ऐसा लगता है कि काम जो भी मैं करने जाती हूँ वो रुकता ज़रूर है, एक बार उसे बिना रुकावट के पूरा होता ही नहीं है, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस देखना जीवन में। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह का उलना लूप है। ऐसे में हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था, प्रोफेशन का भी चेंज करना। अब ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह का उलना लूप है।
ऐसे में क्या होता है, इंसान जो है ना, हमने राइट हैंड में भी देखा था, तो अपने कभी भी इन्वेस्टमेंट भी करें तो सोच समझ के करें, कभी किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट करने लगे तो पता चलता है नुकसान हो जाता है, तो सोच समझ के अपना पैसा लगाएं। पैसों के मामले में ऐसे लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना चाहिए। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इस तरह का ओनर लूप मिलता है इनके हाथ में। तो यहाँ पर ये ओनर लूप बताता है कि अपने परिवार वालों पे काफ़ी ध्यान देना, परिवार जैसे होता है कोई लेडी शादी के बाद अपने हस्बैंड, पति, बच्चे, मतलब पति बच्चे इस तरह से उनका ध्यान रहता है, ऐसे ही अब शादी से पहले अपने भाई बहन इन पे बहुत फोकस्ड रहना, माता पिता, ये सब चीज़ें दिखती हैं। शादी के बाद भी इनको रहता है कि मैं किसके लिए, मैं क्या कर दूँगी, इस तरह की फीमेल्स होती हैं। यहाँ पर देखिए विल पावर और लॉजिक प्लानिंग, लॉजिक प्लानिंग इनका काफ़ी अच्छा है विल पावर के कंपैरेटिवली, और मैं यही बोलूँगी विल पावर और बढ़ाएंगी तो और बेटरमेंट इनकी लाइफ में होगा। अब इनके हाथ में अगर 10 के 10 उंगलियों को समराइज़ करें, हमें इनके हाथ में उलर लूप ज़्यादा मिलते हैं, टेंटेड आर्च हमने इनके हाथ में देखे, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि काफ़ी इस तरह की फ़ीमेल्स ना डिवोटेड फ़ीमेल्स होती हैं, शादी के बाद हस्बैंड का ध्यान बहुत रखना, फिर बच्चों का, फिर चाहे माता पिता भी हैं तो उनके भी लिए भी मैं बहुत कुछ करूँ, अपने मतलब ससुराल वालों के लिए भी बहुत कुछ करूँ, ये इस तरह की फ़ीमेल्स देखी जाती हैं। और फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी ने कुछ हेल्प मांगी तो फ़ौरन दौड़ के हेल्प करना, ये इस तरह की सेवा भावी भी आप कह सकते हैं, ये सब गुण इनके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड के पाम में। देखिए राइट हैंड इनकी मैरिज लाइन पे चलते हैं पहले, उससे हम पहले कि मैरिज लाइन की क्या बता रही है। अब देखिए मैरिज लाइन में यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से एक रेखा आ रही है, फोक नुमा है, और एक रेखा ये इस तरह से जा रही है। इसमें थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि इनको उपाय करना चाहिए, थोड़ा मैरिज लाइन पे अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा ये ज़्यादा रेडनेस आ रही है, तो उपाय करने की ज़रूरत है। शादी के बाद फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग होना या कोई जैसे होता ना आपस में थोड़ा सा शुरुआती विचार ना मिलना कई बार इस तरह की, तो ऐसे में शिव शंकर भगवान की, शिव परिवार की आराधना करना सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हाथ में अगर हमें दिखता है कि कोई दोष है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय होता है। अब देखिए यहाँ पर ये इनके हाथ में ये इस तरह की दो लाइंस आ रही हैं, ये एक लाइन का टच करना, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है किसी किसी का इंटरफेरेंस बनना, ये चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर मैं इनको बोलूँगी कि यही जो मैंने शिव शंकर भगवान का, शिव परिवार का उपाय बताया वो करें, वो सबसे अच्छा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी जान पहचान में शादी होना, पसंद से शादी होना, इसके इंडिकेशंस इनके हाथ में दिखते हैं। और किसी ऐसे पर्सन से शादी करना जिसको देख के इनको लगे कि हाँ मैं सोलमेट, ही इज़ माई सोलमेट वाली फीलिंग आना। अब देखिए यहाँ पर इनका जो गुरु पर्वत है ये थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, मैं बोलूँगी पीली चीज़ों का यूज़ बढ़ाएं अपने जीवन में। और ये देखिए ये इस तरह की लाइन्स यहाँ से निकलना, जीवन में कुछ बड़ा करना, इनोवेटिव करना। अब यहाँ पर तो अब आते हैं हम राइट हैंड पर, ये देखिए गुरु पर्वत, गुरु पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। मैंने अभी लेफ्ट हैंड का भी गुरु पर्वत देखा था तो वो भी थोड़ा दबा हुआ है, तो शादी में देरी कराता है, शादी के सुख को देरी दिलवाता है। थोड़ा सा अगर ये येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं जीवन में, तो जैसे येलो कलर का धागा कलाई में पहन सकती हैं अपने राइट हैंड में, और साथ में अगर या येलो कलर का टॉप, येलो कलर की चीज़ें या स्टोल इस तरह से पहने तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह है, तो टाइम टू टाइम नॉलेज इंक्रीज़ होना। अब यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से ये एक मछली का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है, तो ये ओल्ड एज लग्जीरियस बनाती है, ओल्ड एज पे इंसान के पास बहुत अच्छा पैसा होता है। अब देखिए शनि का माउंट दबा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है इंसान अपनी लाइफ में चिंतित होता है, मतलब थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन होना, मन अंदर से दुखी होना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इनका देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा डाउन है, सूर्य पर्वत जब भी दबा हुआ होता है तो देखिए पिता से दूरी, आंखों का चश्मा या पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और तो ये थोड़ा सा, या कई बार होता है कि किसी ने आपने कुछ काम अच्छा करा लेकिन क्रेडिट दूसरे ले गए, ऐसी चीज़ें भी इंसान फेस करता है। अब यहाँ पर इनका जो बुध पर्वत है, इसके लिए मैं इनको बोलूँगी सूर्य देव को जल दें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य को बल मिलेगा। यहाँ पर बुध पर्वत देखें अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, इस साइड से दिखता है। बुध पर्वत एनालिटिकल पावर का होता है, एनालिटिकल पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छे होते हैं, कभी कभी क्या होता है परंतु ऐसे जब थोड़ा बुध दबा हो तो ऐसे लोगों को दबाया जाता है कि, या कई बार होता है कि कंपेल किया जाता है कि ये बात मानो, मेरी बात मानो, ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा जुड़ते हैं। अब ये देखिए इनके अंदर ये यहाँ पर ये हीलिंग
कैपेसिटी बहुत अच्छी है, दूसरों को मोटिवेट करना, अच्छी राय देना, काउंसलिंग्स देना, ये ऐसी चीज़ें बहुत बढ़िया दिख रही हैं। यहाँ पर मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत इनका अच्छा है, ये देखिए। ऐसे में क्या होता है जब दोनों मंगल अच्छे होते हैं, देखिए इनके ना क्या अंदर ही अंदर कितनी भी परेशानी हो मन में, कितनी भी दिक्कत परेशानी है, थोड़ा सा ये मंगल दबा हुआ है, कितनी भी परेशानी महसूस करें लेकिन वो शो नहीं करेंगी, बाहर से मंगल मजबूत है तो ये शो नहीं करेंगी, अपने मन ही मन में बात रखेंगी। और क्या होता है ऐसे लोग ना किसी से लड़ने भिड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इनको होता है कि जियो और जीने दो, अपने में रहो, ये इस तरह के लोग होते हैं, कोई मुझे तंग मत करो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी, इस तरह के लोग। अब देखिए चंद्र पर्वत इनका अच्छा है, और क्या होता है कि ऐसे लोग ना अपने जो है ज़्यादा फीलिंग्स किसी को व्यक्त नहीं करते हैं, अपनी मन की बात मन में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए शुक्र पर्वत इनका देखें, शुक्र पर्वत इनका देखा जाए तो ऐसा लगता है सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो थॉट्स है वो दिखते हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि रिश्तों को नातों को इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि परिवार में पैसे रुपए ये तो कमाए जा सकते हैं लेकिन रिश्ता, मन का सुख, मन और मन की खुशी जो होती है वो इनके लिए सबसे पहले मायने रखती है। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक ही मैं बोलूँगी शुक्र वलय टाइप बन रहा है, जब भी इस तरह का शुक्र वलय बनता है फीमेल्स के हैंड में अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी होती हैं ये, और जैसे कहना चाहिए परिवार वालों के लिए भी लकी होती हैं, पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंड्स के लिए, ये मतलब उस तरह की फीमेल होती हैं कि अगर ये किसी ऐसे ही फ्रेंड के घर जाएँ जो परेशानी में है उसकी फ्रेंड की परेशानियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर भी इनका देखा जाए तो ये पति को भाग्य देती हैं, ऐसी फीमेल्स शादी होते ही जैसे होता ना पति के घर में अच्छा होने लग गया, पति के जीवन में बेटरमेंट आने शुरू हो गए, इस तरह की लकी फीमेल्स कहना चाहिए कि लकी चार्म टाइप की फीमेल्स होती हैं। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का मछली का चिन्ह हम अगेन देख रहे हैं, हमने राइट हैंड में भी देखा था, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया चिन्ह इनके हाथ में, ये लोटस का चिन्ह है, ये देखिए कितना क्लियर है, ये देखिए ये इस तरह का लोटस का चिन्ह इनके हाथ में बहुत क्लियर, बहुत लक्ष्मीवान बनाता है लोटस का चिन्ह, सूर्य के फिंगर के नीचे है सूर्य पर्वत पर तो लक्ष्मीवान बना रहा है ये, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी देता है, जीवन में अच्छी ग्रोथ राइज कराता है, किसी ऐसे इंसान से शादी होना जो जीवन में कह सकते हैं कि जिसका जैसे मैंने बताया कि लकी हैं तो अपने हस्बैंड की काम बढ़वाना और उनके लिए जैसे जीवन में बढ़ोतरी लेकर आना, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होता है ना पत्नी के भाग्य से बनता चला गया इंसान, वो चीज़ इस तरह की चीज़ें देखती हैं। यहाँ पर देखिए बुध पर्वत इनका अगेन अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे देता है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हीलिंग पावर्स अच्छी हैं, अच्छे से बात करना, काउंसलिंग्स देना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी इनके हाथ में, ये देखिए ये कट्स हैं, ये इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव लाइंस हैं ये तो ऐसे में मैं इनको बोलूँगी गायत्री मंत्र का जाप करें, और इनका प्रेजेंट समय भी हमने देखा राइट हैंड में जो मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब हो रही है, गायत्री मंत्र के जाप से मैंने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखे हैं। देखिए रेखा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई एकदम सारे निशान मिट के फाइन हो जाएगी, लेकिन क्या होता है उनकी नेगेटिविटी ख़त्म होने लगती है, और मेरे को ऐसे फीडबैक्स भी आते हैं कि जब इंसान 6 महीने लगातार गायत्री मंत्र करता है डेली, दिन में 3 बार कर ले, तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान की ना जो नेगेटिविटी होती है लाइंस की वो ख़त्म होने लगती है, पॉजिटिव रेखाएं फुल फ्लैशली असर करती हैं। जैसे ये लोटस का चिन्ह है हमने हाथ में, जैसे हम देख रहे हैं कि भाग्य रेखा बहुत अच्छी है तो फुल फ्लैशली वर्क करेगा वो मतलब, क्योंकि ये सब जो निशान होते हैं ना ये हाथ की जो कह सकते हैं कैपेसिटी है वो एकदम ये 30-40% पे ले आती हैं, पॉजिटिव लाइंस एकदम 30-40% पे आ जाएंगी, कहाँ उनको एकदम अपना 90-95% वर्क करना चाहिए। 5% हम इसलिए मानते हैं कि भाई देखिए कुछ चीज़ें वेरिएट भी करती है, हर चीज़ 100% नहीं होती, तो लेकिन क्या होता है ये नेगेटिव लाइंस उनको पकड़ के उनका असर एकदम बिल्कुल 30% पे ले आती हैं, तो इन नेगेटिव लाइंस के हटते के साथ ही वो 30% जो पॉजिटिव रेखाएं वर्क कर रही हैं 30 से 50, 50 से 70, फिर 90 ऐसे वर्क करने लगती हैं और इंसान के जीवन में अच्छा बदलाव आता है। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखें मंगल पर्वत अगेन इनका अच्छा है, और वही चीज़ है यहाँ पर भी मंगल, अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, बाहरी मंगल ठीक है, तो मतलब अपने दिल की बात जल्दी शेयर ना करना, थोड़ा सा क्या होता है कि अपने जो डर है परेशानी है वो अपने तक ही रखना, ये चीज़ें देखी जाती हैं। चंद्र पर्वत अगेन बहुत बढ़िया है इनका, तो चंद्र पर्वत यात्राएं भी कराएगा, और यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना, देखिए कहीं दूर शादी होती है ऐसे लोगों की, मैंने देखा कहीं दूर शादी, कहीं दूर रहन सहन, ऐसे भी उस हाथ में भी मैंने देखा तो दूर, तो वो चीज़ योग दिखती है। और ऐसे लोगों की जो इनकम होती है ना, कई बार क्या होता है कि ऐसे
ऐसे लोग जो है फीमेल्स का बड़ा सपोर्ट होता है कि लाइफ में माता है, बहन है, इनका बहुत सपोर्ट मिलना, या कई बार ऐसे लोग क्या होता है सोशल मीडिया से कमाते हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें, ये भी इनको काफ़ी सूट करती हैं। या आप कोई ऐसे क्षेत्र में वर्क करते हैं जहाँ पर फीमेल क्लाइंट्स आपको बहुत मिलती हैं और वहाँ पर आप उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, या आपके जीवन में आपकी फ्रेंड्स का काफ़ी पार्ट प्ले होना। अब देखिए शुक्र अगेन सादा जीवन उच्च विचार दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखें हाथ में, तो ये देखिए दो लोगों का सपोर्ट जीवन में बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। अब इनकी जो है लाइफ लाइन पर आते हैं, देखिए लाइफ लाइन इनकी कितनी डिस्टर्ब है, ये आप इसको देखिए और इसको देखिए कितनी डिस्टर्ब है। कदम कदम पर परेशानी, डॉट डॉट सी आप देखिए, ये कदम कदम पर परेशानियाँ दिक्कत है। और ये देखिए ये तो यव का चिन्ह दिख रहा है, 20s हम कह सकते हैं कि 20s से भी थोड़ा पहले ही दिक्कत है। देखना यहाँ पर ये देखिए कितने कट्स हैं, ये बहुत दिक्कत है, परेशानी देखना। तो कोई ना कोई जीवन में बड़ा जैसे होता है ना प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानी, कई बार डिस्टरबेंसेस होते हैं, कोई रिलेशनशिप को लेकर डिस्टरबेंसेस होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और या सेटबैक्स देखना, कि बिट्रेयल देखना, ये चीज़ें देखिए, ये मस्तिष्क रेखा भी डिस्टर्ब है इनकी। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डिस्टर्बेंस है मस्तिष्क रेखा का, ये कट्स, ये सब बता रहा है कि जैसे डिप्रेशन, दिक्कतें, परेशानी, और ये प्रेजेंट समय चल रहा होगा, अब इनका एंड पे आने लगा है समय, तो ये सब चीज़ें कि अपने डिप्रेशन से, अपनी परेशानियों से बाहर आना। यहाँ पर भी देखिए लाइफ लाइन पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये सब कट्स जैसे मैंने बताया, कुत्ते को रोटी बिस्किट इस तरह से खिलाए, बिस्किट खिलाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कुत्ते रोटी नहीं खाना चाहते। यहाँ पर देखिए इनके 40-45 पे भी बहुत बढ़िया है, ये देखिए ये, फिर उसके 55 पे बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ग्रेट बेनिफिट्स दिखा रही हैं। यहाँ मस्तिष्क रेखा देखिए कितनी बढ़िया होती जा रही है आगे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मैं बोलूँगी 40 के आसपास, ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से गई और यहाँ से एक नई मस्तिष्क रेखा शुरू हो रही है। तो कोई सोचने का तरीका बदलना, कोई नई अपॉर्चुनिटी जीवन में एंटर करना, वो चीज़ दिख रही है, कोई बहुत बड़ा चेंज जीवन में आना। अब यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये जो है देखिए भाग्य रेखा अच्छी है, और अगेन यहाँ से इस तरह से ये देखिए अभी तो 33 और 35 पर चेंज है, और उसके बाद फिर ये देखिए 40 पे, फिर उसके बाद रेखा जा रही है, कुछ ये खर्चे करती हुई भी दिख रही है, 45-48 पर भी खर्चे करती हुई, और इस तरह से रेखा जा रही है। और यहाँ हृदय रेखा देखिए सबके लिए खूब डिवोटेड होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल देखें हैंड बहुत अच्छा है इनका, गिविंग प्रॉमिसिंग हैंड है, और इनके जीवन में जैसे कहते हैं ना अब जो दुख है, परेशानी, उनका समय अब हटने लगा, अब वो समय ख़त्म होने लगा, और गायत्री मंत्र का जाप जो मैंने इनको बोला है वो इनके लिए और बेटर काम करेगा, चीज़ों को फुल फ्लैशली वर्क करना, रिजल्ट्स देना, पुरानी चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद सब वैनिश होते चलना, ख़त्म होते जाना, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आना, तो ये चीज़ मुझे दिखती है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया 40 के आसपास जो है 40-42 पर इनके लाइफ में एक ट्रमेंडस चेंज है, और तब इनकी लाइफ टोटली बदल जाएगी, और ये कुछ बड़ा पॉजिटिव, कुछ बड़ा करना, इनोवेटिव करना, और कुछ बड़े रुपए पैसे के लाभ भी इनके जीवन में आगे जाके दिखाई देते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा का चेंज होना ये यही बताता है कि कोई बड़ा जीवन में ऐसा मतलब आगे ग्रोथ, कोई ऐसी चीज़ की सोचने का नज़रिया बदल जाता है, या इंसान के जीवन में होता है कि नहीं अब मैं कुछ बड़ा करना है, मुझे लाइफ चेंजिंग कुछ इस तरह का, तो वो चीज़ दिखती है। यहाँ पर भी देखिए ये एक रेखा सूर्य पर्वत से जा रही है, पूर्व पुण्य रेखा, ये चीज़ें हैं। तो और एक मैं दिखाऊंगी कि ये यहाँ से एक ये देखिए कि स्क्वायर फॉर्मेशन भी है इनके हैंड में, तो स्क्वायर फॉर्मेशन भी एक अच्छा घर, जब अपना घर लेंगी तो काफ़ी बढ़िया घर ये ले पाएंगी। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड देखिए इनका अच्छा है, राइट हैंड भी बहुत अच्छा है, राइट हैंड भी बढ़िया है इनका। तो और ये मैं कहूँगी भाग्य देने वाली स्त्री का हैंड मुझे लगता है कि फीमेल है जो भाग्य देंगी, शादी के बाद भाग्यशाली होना, शादी के बाद पति का भाग्य संवार देना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। तो अगर मैं इनकी शादी के समय की बात करूं तो मुझे इस साल भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं। अब जैसे ये 32 प्लस हैं तो 33 से 35 में भी मुझे चेंज दिख रहा है, तो शादी के अच्छे योग इनके हाथ में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और शिव जी का मैंने बोला इनको, इनकी विवाह रेखा देख के कि शिव पार्वती जी का इनको पूजा करनी चाहिए, जैसे कि शादी में कोई किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।